नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, काफ़ी सारे पौधे हैं, ताकि आप बिल्कुल केयर छोड़ के कि कोई भी मेंटेनेंस नहीं करके जब भी आप चाहते हैं आप इसको ग्रो कर सकते हैं आराम से। तो मैं आपको कुछ कुछ पौधे ऐसे बताता रहूँगा ताकि आप कैसे इसको ग्रो करें, कैसे इसके दिखाएं। बहुत जो नए गार्डनर है, बिल्कुल नए हैं, अभी तक इन्होंने ग्रो नहीं किया गार्डन में, तो आप मैं बताऊँगा। ये है पहला नंबर एलोवेरा। ये एक सकुलेंट प्लांट है और इसका ओरिजिन है अरेबियन पेनिनसुला रीजन है, और बहुत अच्छा पौधा है। इसको आप यदि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक पानी नहीं देंगे और बिल्कुल सूखा रखेंगे तब भी ये आराम से ग्रो कर जाएगा। और इसका आप पत्ते को तोड़ेंगे तो इसमें एक जेली टाइप की होती है, वो काफ़ी सारे आपके हर्बल मेडिसिन में या फिर कॉस्मेटिक यूज इसमें काम आती है और बहुत अच्छा काम आता है। और ये आप जरूर करें, इससे काफ़ी सारे मेडिसिन इंपोर्टेंस है और कॉस्मेटिक्स में तो काफ़ी सारे यूज होते हैं इसके प्रसाधन सामग्री में। तो ये पौधा आप जरूर जरूर से लगाएं, जो एकदम नए हैं गार्डन में जिसकी कोई एक्सपीरियंस नहीं, ये जरूर लगाएं आप। ये है पहला नंबर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा। ये है एरिका पाम। ये पाम में सबसे अच्छा है, ये बटरफ्लाई पाम भी कहते हैं इसको, केन पाम भी कहते हैं। बहुत आसान है ग्रो करना, बिल्कुल इसकी केयर करने की जरूरत नहीं है। ये इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं आप, आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं, इसमें आपको केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपने इसको खाद भी देने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें कोई कीड़े मकौड़े भी बहुत कम लगते हैं। इसमें बहुत अच्छा ये केन पाम या बटरफ्लाई पाम है, और आप इसमें धूप में लगाएं, इंडोर लगाएं, बारिश में लगाएं, बाहर लगाएं, हर जगह ये अच्छी तरह से लग जाता है। ये एरिकेसी फैमिली का प्लांट है। चलिए, ये है 3 नंबर पौधा। ये रबर प्लांट है, और रबर प्लांट में क्या होता है कि तो आप ग्रो करेंगे तो इसमें बहुत ये हार्डी प्लांट है, कहीं पर भी आप ग्रो कर रहे। इसका साइंटिफिक नाम है फाइका सिलास्टिका, और इसके जो पत्ते होते हैं बहुत मोटे मोटे चमड़े की जैसे होते हैं, लेदरी लीफ होते हैं और गाढ़े ग्रीन कलर के पत्ते हैं। और देखिए, करीब मेरा 2 साल पुराना है और सामने के जो पत्ते निकलते हैं और ब्राउन कलर के पत्ते निकलते हैं, लाल रंग के, मेरून कलर के, बहुत अच्छे हार्डी प्लांट है। इसको आप ग्रो करेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि कितना अच्छा पौधा है। किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइजर देने की कोई जरूरत नहीं। ये पत्ते तोड़ेंगे आप, इसमें से दूध जैसा एक लिक्विड निकल जाएगा, और ये दूध जैसा लिक्विड से इसी से आपका एक दूसरी वैरायटी होती है जिसमें से आपको ये जो रबर है ये बनता है। तो ये दूध जैसा जो सिस्टम है, ये आप पत्ते कुछ रबर प्लांट की स्पीसीज है, ये फाइका सिलास्टिका तो हमारे लिए सिर्फ ग्राउंड में ग्रो करते हैं। ये 4 नंबर पौधा, ये आगावे बोलते हैं इसको, और ये आगावे जो प्लांट है एस्परेगेसी फैमिली का प्लांट है, और ये आपका काफ़ी सारे जो एरिड रीजन है, मेक्सिको का रीजन है, साउथ अमेरिका रीजन का जो मेक्सिको का रीजन है जो है, इसको कॉमनली सेंचुरी प्लांट कहते हैं क्योंकि ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जीते हैं, ये ऐसा कहते हैं। बहुत हार्ड प्लांट है, हार्डी प्लांट है, इसको पानी नहीं दे, खाद नहीं दे, किसी भी तरह से इसको 3-4 महीने भी अगर पानी नहीं दे, कोई भी केयर नहीं करे, ऐसे ही पड़ा रहे दे कोई भी एरिड रीजन में, ये आराम से ग्रो कर जाता है, किसी भी दिक्कत नहीं होती इसमें। 3-4 तरह के पौधे होते हैं। ये तो देखिए, इसमें मार्जिन इसका जो है येलो कलर का मार्जिन है, पीला रंग का, ये ग्रीन कलर का है ये, और बहुत अच्छा पौधा है। ये जरूर लगाइए, एक बार आप लगा देंगे बिल्कुल भूल जाइए लगा के। ये है 5 नंबर पौधा, स्पाइडर लिली। ये स्पाइडर लिली का बल्ब आता है, राइजोम आता है, जो आप एक बार ग्रो कर देंगे उसमें से सालों भर पानी फूल निकलते रहेंगे। हाइमेनिकलिस कैरिबिया इसका नाम है, और ये एमरेलिडीसी फैमिली का पौधा है। ये आप बल्ब आते हैं इसके, आप बल्ब खरीद के एक बल्ब या 2 बल्ब या 3 बल्ब लगा ले। हमने एक एक कोने में एक एक बल्ब लगाया था, इसमें से देखिए कितने सारे पौधे बन गए, और इसमें सारे साल इसमें से फूल निकलते रहते हैं ठंड की मौसम छोड़ के, और इतना अच्छा पौधा है। ये ग्रो करते कभी पानी देने की जरूरत नहीं है, कभी खाद देने की जरूरत नहीं है, बारिश का जो पानी आएगा उसमें ये ग्रो कर जाएगा। बहुत अच्छा पौधा है, ये जरूर लगाइए। ये है 6 नंबर पौधा, इसको हम फाइकस का प्लांट कहते हैं। ये फाइकस बेंजामिन है, इसका साइंटिफिक नेम है, और ये फाइकस बहुत ही कॉमन नेम है इसका, व्हीपिंग फिग है, बहुत कॉमन प्लांट है, कहीं पर भी आप लगा दें, किसी भी तरह लगा दें ये ग्रो कर जाता है। इसका काफ़ी सारे वैरायटी आते हैं और ये ग्रो कर देंगे, इसके काफ़ी सारे जो शेप में आते हैं, शेप में कर ले आप, कटिंग करके शेप में कर सकते हैं। बहुत अच्छा पौधा है फाइकस का। इसे ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन वैरायटी है, हरा रंग का, और एक मैं बगल में आपको दिखा रहा हूँ वो गोल्डन वैरायटी बोलते हैं, हल्का सा पीला सा उसमें टिंट आता है, गोल्डन वैरायटी। और कुछ हमारे पास वैरायटी है उसको स्टारलाइट वैरायटी कहते हैं, इसको वेरीगेटेड वैरायटी। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये स्टारलाइट वैरायटी मेरे कोने में लगाया हुआ है, काफ़ी सारे कोने कोने में एक एक मैंने स्टारलाइट वैरायटी लगा रखा है। ये देखिए
वेरीगेटेड पत्ता है। ये सफ़ेद पीला और सफ़ेद और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है पत्ते में बहुत खूबसूरत दिखता है। इसका अगर सेप कर ले तो बहुत अच्छा लगेगा। स्टारलाइट वैरायटी बहुत अच्छा पौधा है, ज़रूर लगाइए आप। ये जो है ज़रूर आपके गार्डन में होना चाहिए। ये इंडोर भी खिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत अच्छा पौधा है। ये है 7 नंबर, जेट प्लांट कहते हैं इसको, हम मनी प्लांट भी कहते हैं और फ्रेंडशिप प्लांट भी कहते हैं। और इसमें दो तरह के आते हैं, बड़े पत्ते के आते हैं जिसको क्रासुला वोटा कहते हैं, और एक छोटे पत्ते का, ये जो मैं दिखाता हूँ आपको, इसका साइंटिफिक नाम है पोटू लैकरी आफड़ा। ये क्रासुलेसी फैमिली का प्लांट है और लोग कहते हैं कि इसमें काफ़ी सारा धन की आगमन होता है। इसके घर में लगाने से या कहीं पर भी आपके जो एंट्रांस है उसके दाएं तरफ लगाए तो इसमें बहुत धन की आगमन होता है। ये ऐसा हार्डी प्लांट है, किसी भी तरह की खाद की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की केयर की जरूरत नहीं है। इसका जो ओरिजिन है साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक है, तो आपको पता लग गया होगा ये किसी भी तरह की केयर का मोहताज नहीं है। गर्मी में, सूखा में, किसी भी तरह से ये ग्रो कर जाते हैं। सिर्फ ये इंडोर में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन बाहर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा होता है। ये है एक प्लांट 8 नंबर का, यक्का प्लांट कहते हैं इसको। ये मैंने 2 साल पहले नर्सरी से लाया था, यहाँ पर लगा दिया था। आज तक मैंने कभी पानी नहीं दिया, कभी इसको खाद नहीं दिया। ये इसके करीब इसे आधा भी छोटा साइज से लाया था, अब ये डबल साइज का हो गया। बहुत खूबसूरत दिखता है, जैसे लगता है पूरा पौधा एक फूल हो, ग्रीन कलर का फूल लगता है ये देखने में। बहुत अच्छा पौधा है, किसी भी तरह के केयर का जरूरत नहीं है। ये है 9 नंबर, वांडरिंग ज्यू। और ये तो पौधा आप लगाएंगे, इसके पत्ते इतने तरह तरह के कलर में इसके पत्ते आते हैं। इसका साइंटिफिक नेम ट्रेडेस्कनसिया पैलिडा, इसका बहुत अच्छा पौधा है। इसका एक टहनी आप तोड़ दें, तोड़ के आप किसी भी मिट्टी कहीं पर भी इसके गाड़ दें तो ये वो पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। और ये 1 साल में ये देखिए पूरा भर जाते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पॉट में लगाया तो ये पूरा भर जाते हैं। इसका और एक नाम स्पाइडर वर्ड भी कहते हैं, इसको वॉकिंग जीव भी कहते हैं। और कहीं पर भी आप लगा दीजिए, पॉट में लगाइए और बाहर लगाइए, बागान में लगाइए, कहीं पर भी लगाइए, पूरा छा जाता है। बहुत अच्छा पौधा है। ये 10 नंबर है, बोगनवेलिया कहते हैं इसको। आपको तो सबको पता है ये बोगनवेलिया का प्लांट बहुत हार्डी प्लांट है। मैं पिछले साल राजस्थान में गया था, मार्च में इतने रास्ते में डिवाइडर में इतना अच्छे खिलते हैं, बहुत अच्छे। बोगनवेलिया स्पेक्टेबिलिस इसकी साइंटिफिक नेम है, और इसका फैमिली है निक्टीजेनेसी फैमिली का प्लांट है। बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत तरह का तरह के इसमें कलर आते हैं फूल में, और ये फूल जब भरे जाते हैं तो बहुत अच्छे दिखते हैं। 40-45 की डिग्री टेम्परेचर में भी इसकी बहुत खूबसूरत फूल दिखता है इसका। और इसका कोई भी आप अगर खाद देते तो अच्छी बात है, अगर खाद नहीं दे सके ग्राउंड में लगाएंगे तो इसका ना तो खाद की जरूरत है ना पानी की जरूरत है, और बहुत ही सूखा या एरिड रीजन में हो जाता है। ये देखिए मेरे छत के ऊपर लगाए हुए टेरेस में, और ये तो अभी तो सितंबर महीना है तो अभी तो फूल नहीं रहना चाहिए, तो करीब करीब एंड है सीजन का, फिर भी काफ़ी सारे फूल खिल रहे हैं। तो मैं आपको दिखाया कि ये देखिए कितना सुंदर अभी भी सितंबर महीने में कितना अच्छा फूल खिल रहा है इसमें अभी अंत में। तो दोस्तों ये जो है पौधा काफ़ी सारे मैंने दिखाया, 10 पौधा दिखाया मैंने, और भी बहुत सारे पौधे हैं जो आप लगा सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे रैपिस पाम्प है, या फिर और भी तरह तरह के पाम होते हैं, और भी तरह तरह के पौधे जो आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। आप लिखिए मुझे कौन कौन से पौधे मैंने मिस किया, आप भी चाहते तो आप इसमें ऐड कर दें कमेंट बॉक्स में, जो कौन कौन से पौधे आपके केयर छोड़ के लगा सकते हैं आप आराम से। ये पौधे आप जरूर से ग्रो करिए, जो नए हैं गार्डनिंग के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि उनका केयर करना नहीं आता है तो उनके लिए बहुत अच्छा। ये या फिर किसी को टाइम नहीं मिलता है तो बहुत अच्छा है। ये वीडियो का आप जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल के नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको आगे चल के बहुत सारे वीडियो देने वाला हूँ। आपको इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे